नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जसनाथ क्लासेस। आज हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के बारे में। एक वीडियो पहले डाल दिया जो कि अलजेब्रा थ्योरी ऑफ इक्वेशन अर्थात समीकरण सिद्धांत से संबंधित था, उसी यूनिट जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, उसी को हम लेके चलते हैं। आज मैं जो देकार्ते का सिनो नियम, वो उस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा बताया था कि क्या है देकार्ते का सिनो नियम। उस वीडियो में जो देकार्ते के सिनो से रिलेटेड नियम से जो क्वेश्चन है वो आज करूंगा, जो कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन तो आरएएस में भी पूछे जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जो कि बीएससी तो है ही है लेकिन फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या जेम की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप एक भी क्वेश्चन आपका देकार्ते के सिनो पद्धति का जो नियम है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं सीधी। पहला क्वेश्चन है कि निम्न इक्वेशन के मूल है, ये इक्वेशन है x^-ax^3-bx-c=0 के, इस इक्वेशन के क्या मूल है। तो मैंने बताया था देकार्ते के सिनो नियम में आपको दो कथन बताए थे, एक यदि समीकरण fx = 0 के धनात्मक मूलों की संख्या fx में दिए हुए पदों के सिनो परिवर्तन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस से अधिक नहीं हो सकती, और सेकंड बताया था समीकरण fx = 0 के ऋणात्मक मूलों की संख्या f-x के पदों की जो संख्या है उसमें से ना परिवर्तन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस से अधिक नहीं हो सकती। तो ये दो कथन थे, या उसी वीडियो में मैंने बता दिए, आज पुनः बता रहा हूं। तो अपन को क्या करना है, जैसे कि सामान्य ये समीकरण है, ये क्वेश्चन आरएएस 2013 में पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट है कि निम्न इक्वेशन के मूल है। आपको ऑप्शन दिए होंगे सीआर की इस इक्वेशन के क्या मूल है। तो मैंने क्या बताया था, एक तो आपको देखना है एफ एक्स और एक देखना है एफ माइनस एक्स, फिर आपको मूल निकालना है। पहली बात दोस्तों सुनिए, इस इक्वेशन की अधिकतम ज्ञात कितनी है, 4। तो अधिकतम जो वास्तविक मूल है वो होंगे 4, या अधिकतम मूल होंगे 4, और या अधिकतम वास्तविक मूल भी कह सकते हो, अधिकतम काल्पनिक मूल होंगे। मैंने बताया था कि काल्पनिक मूल है वो एकल नहीं होते, हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। तो अधिकतम काल्पनिक मूल वो भी होते हैं 4। उसके बाद ये इक्वेशन है x^-ax^3-bx-c=0। तो यहाँ पर एफ एक्स अर्थात यहाँ पर x की जगह x रखना है और उसका सिनो देखना है, यहाँ पर x के आगे प्लस फिर माइनस फिर माइनस माइनस और f माइनस एक्स। एफ यहाँ पर यदि घात जो सम में होगी तो यहाँ पर माइनस रखने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 - (-) वापस प्लस हो जाता है, तो वापस 4 घात है तो भी वापस प्लस हो जाएगा, वापस प्लस यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ पर जो विषम घात है तो माइनस का माइनस रहेगा, माइनस और माइनस को मिला के प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस है वो यहाँ पर और माइनस रखेंगे, माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ का एक्स का कोई सर नहीं है। तो ये दो आ गए एफ एक्स जो कि धनात्मक मूल, माइनस एक्स जो कि ऋणात्मक मूल। यहाँ पर सिनो परिवर्तन कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से दोस्तों देखिए, आपको ऐसा कोई नहीं समझाएगा। आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो अच्छा है आपके लिए ये टॉपिक। देखो यहाँ पर एक सिनो परिवर्तन हो रहा है प्लस से माइनस, अर्थात जो एफ एक्स एक्स कंपोनेंट है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर धनात्मक मूल निकलेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक मूल। तो यहाँ पर एक जो सिनो परिवर्तन हुआ है अर्थात एक जो धनात्मक मूल है, दूसरा यहाँ पर कोई सिनो परिवर्तन नहीं क्योंकि प्लस से प्लस, यहाँ से प्लस से प्लस, यहाँ पर वापस सिनो परिवर्तन हो रहा है एक बार, तो एक ऋणात्मक मूल। तो देखिए एक धनात्मक मूल प्राप्त हो गया और एक ऋणात्मक मूल प्राप्त हो गया, तो ये वास्तविक मूल, दो वास्तविक मूल अपन को प्राप्त हो गए, दो वास्तविक मूल। तो अब दो कुल तो मूल है चार, अधिकतम मूल जो अधिकतम घात है उतने, और अधिकतम काल्पनिक मूल चार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो वास्तविक मूल निकल गए तो पीछे दो शेष है वो दो है काल्पनिक मूल।
काल्पनिक मूल। तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे कि दिए हुए इक्वेशन के मूल है, पहला जो दो वास्तविक मूल और दो काल्पनिक मूल, या एक वास्तविक मूल तीन काल्पनिक मूल। इस प्रकार आपको चार उदाहरण लिखेंगे तो आप सही लगा सकते हैं, दो वास्तविक मूल दो काल्पनिक मूल। ऐसे भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं एक धनात्मक मूल, एक ऋणात्मक मूल और दो काल्पनिक मूल। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स माइनस माइनस एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो काल्पनिक मूल बताइए। अब यहाँ पर आप फिर ध्यान से देखना कि अधिकतम मूल है वो है नाइन, अधिकतम मूल बराबर नाइन, और अधिकतम काल्पनिक मूल, अधिकतम काल्पनिक मूल। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बताया था जो अधिकतम घात होती है उतने ही अधिकतम मूल होते हैं, अधिकतम मूल बराबर नौ, और अधिकतम काल्पनिक मूल मैंने बताया था काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सम संख्या है तो आप चार मान सकते हैं, लेकिन विषम है तो एक मूल वास्तविक होगा ही होगा। इसे शेष रहेंगे आठ या अधिकतम आठ काल्पनिक मूल हो सकते हैं, क्योंकि एक मूल है जो जोड़े के रूप में होते हैं, अगला जोड़ा बनेगा तो दस हो जाएंगे, लेकिन आठ जो है अधिकतम काल्पनिक मूल। यहाँ पर काल्पनिक मूल बताइए, तो यहाँ पर वापस एफ एक्स बराबर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर आगे प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हो गए धनात्मक मूल, और ये एफ माइनस एक्स बराबर यहाँ पर माइनस रखोगे तो आगे जो चिन्ह है वो भी जो विषम संख्या है अर्थात आगे माइनस आएगा, यहाँ पर विषम है तो विषम और सम वापस प्लस, यहाँ पर सम है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, यहाँ पर भी कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, यहाँ पर भी कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, अर्थात जो धनात्मक मूल है वो होंगे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, दो धनात्मक मूल दो बार चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं, दो धनात्मक मूल। अब एफ माइनस एक्स देख, यहां पर देखिए आप माइनस से प्लस एक ही चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, फिर वापस प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, यहां पर जो दो धनात्मक मूल निकल गए और एक ऋणात्मक मूल, मैंने बताया था चिन्ह परिवर्तन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस पर निर्भर करेंगे, यहां पर माइनस एक्स है तो माइनस रखना है आपको एक्स की जगह, और वापस चिन्ह देखना है क्या चिन्ह आते हैं, तो माइनस से प्लस वापस एक बार चिन्ह परिवर्तन आ रहा है, दो धनात्मक मूल एक ऋणात्मक मूल बराबर तीन वास्तविक मूल, तीन वास्तविक मूल। तो यहां पर आपको पूछा है कि काल्पनिक मूल कितना है, यदि वास्तविक मूल पूछे तो तीन जिसमें से दो धनात्मक और एक ऋणात्मक, लेकिन यहां पर पूछा है कि काल्पनिक मूल बताइए, तो तीन वास्तविक मूल आ गए और अधिकतम मूल है नौ, नौ में से तीन गए, नौ में से तीन बराबर स है जो काल्पनिक मूल। यहां से प्रूफ होता है कि काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, क्योंकि तीन वास्तविक मूल आ गए और तीन गए, अधिकतम मूल है नौ, फिर स काल्पनिक मूल आए, तो यहाँ पर स जोड़े के रूप में है अर्थात जो काल्पनिक मूल है वो हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और आप बात याद रखना, जैसे कि कोई विषम संख्या है, विषम संख्या की घात में है x क्यूब है या x फाइव है या x सेवन है या x नाइन है, तो उसमें वास्तविक मूल तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे x फोर है तो x फोर में हो सकता है वो सम संख्या है और वो घात में है, और जो सम संख्या है x फोर और काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, लेकिन x फोर है तो यहाँ पर जो काल्पनिक मूल है वो जोड़े के रूप में होते हैं, तो यहाँ पर वास्तविक मूल होना संभव नहीं है, लेकिन एक्स क्यूब या एक्स नाइन या एक्स सेवन इसमें फिक्स है कि जो वास्तविक मूल है वो होगा ही होगा, क्योंकि जो काल्पनिक मूल है वो एक जोड़े के रूप में होते हैं, तो यहाँ पर दो मान सकते हैं, यहाँ पर आठ मान सकते हैं, तो भी एक एक संख्या शेष रहती है, अर्थात जो विषम संख्या के जैसे कि कोई भी घात है वो विषम संख्या में है तो उसमें वास्तविक मूल तो होगा ही होगा, ये फिक्स है, और जो सम है उसमें काल्पनिक भी हो सकता है और जो वास्तविक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, क्योंकि देखिए इसके काल्पनिक मूल बताइए, तो एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाइस एक्स प्लस पंद्रह, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन देखिए एफ
एक्स रहता है धनात्मक मूल, यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस, अब यहाँ पर एफ माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखोगे तो प्लस, यहाँ पर रखोगे तो माइनस माइनस वापस, क्योंकि विषम में घात है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर रखोगे तो जो प्लस ही आएगा, लेकिन ये आगे वाला माइनस जो है क्योंकि घात सम में है, और यहाँ पर माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस और वापस प्लस बराबर जीरो, ये सिर्फ परिवर्तन आए हैं इसमें। तो देखिए कितने मूल है, एक बार माइनस से प्लस वापस कोई परिवर्तन नहीं, माइनस से माइनस कोई परिवर्तन नहीं, माइनस से प्लस, अर्थात दो धनात्मक मूल, दो धनात्मक मूल, प्लस प्लस और वापस प्लस से माइनस एक और माइनस से प्लस दो, यहां पर दो जो है ऋणात्मक मूल, दो ऋणात्मक मूल, अर्थात इसमें अधिकतम मूल है उसकी संख्या है जो है वो चार हो सकती है, और अधिकतम काल्पनिक मूल माने क्योंकि वो भी जोड़े के रूप में होते हैं तो चार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दो धनात्मक मूल आ गए और दो ऋणात्मक मूल आ गए, कुल मिला के जो चार वास्तविक मूल आ गए, चार वास्तविक मूल आ गए और काल्पनिक मूल जीरो आ गए, काल्पनिक मूल बराबर जीरो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान देने योग्य है, आप इसी यूनिट में जो बीएससी फर्स्ट ईयर की थ्योरी ऑफ इक्वेशन है उसमें पढ़ते हैं एक फेरारी विधि और एक आरडी मेथड, वो इस टॉपिक के बाद में मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा, तो उससे इस समीकरण को हल करने पर इस समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं, दो मूल काल्पनिक प्राप्त होते हैं और दो वास्तविक, जो काल्पनिक है थ्री प्लस माइनस जो रूट सिक्स जो काल्पनिक प्राप्त होते हैं, और माइनस वन प्लस माइनस टू आइटा दो वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपने सॉल्व किया तो दो धनात्मक मूल प्राप्त हुए और दो ऋणात्मक, कुल मिलाकर चार वास्तविक मूल प्राप्त हुए, लेकिन कार्ड जो फेरारी विधि से हल करते हैं तो दो वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं माइनस वन प्लस माइनस टू आयोटा और दो काल्पनिक थ्री प्लस माइनस टू सिक्स। तो यहाँ पर जो जो डेकार्त का सिनोनिम नियम है वो पद्धति फेल होती है दोस्तों, क्योंकि यदि किसी इक्वेशन में जो मूल है वो दो के गुणज अर्थात दो चार स आठ दस के रूप में होते हैं, यदि जो देखार्थ के सिन्न पद्धति में किसी इक्वेशन के मूल दो के गुणज के रूप में होते हैं दो चार स आठ माइनस दस, तो ये इसमें माइनस दो करने पर जीरो टू टू फोर फोर सिक्स सिक्स एट और एट टेन, अर्थात दो संभावनाएं प्राप्त होगी, या तो जीरो होंगे मूल या दो मूल होंगे। यहाँ पर द्विघाती का जो सिन्न पद्धति है वो दोस्तों फेल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने किया था इस द्विघाती के सिन्न नियम से तो चार वास्तविक मूल आए थे, लेकिन फेरारी विधि से हल करने पर दो तो जो वास्तविक मूल आ गए और दो काल्पनिक मूल आ गए, तो यहाँ पर जो द्विघाती का सिन्न नियम फेल होता है, अर्थात यदि किसी इक्वेशन के मूल है जो दो के गुणज में दो चार स आठ दस होते हैं तो उसमें माइनस दो करने पर जीरो दो दो चार चार स आठ आठ दस, अर्थात दो संभावनाएं प्राप्त होगी जीरो और दो। तो ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब देखते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x 5 प्लस 15x माइनस 8 के माइनस 1 और 1 पर कितने वास्तविक मूल है, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ एक, बी में दो, सी में तीन और डी में चार। तो जो समीकरण है वो है 3x 5, इसमें मैं सीधा लिखता हूँ जो धनात्मक मूल है एफ एक्स, उसके जो सिन परिवर्तन है वो है देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपको x की जगह माइनस वन रखना है तो और वन, तो पहले आप वन रख लीजिए या माइनस वन रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, और f माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तीन माइनस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स फाइव की घात है और यहाँ पर एक्स है, दोनों विषम है और यहाँ पर वापस पॉजिटिव, ये है जो माइनस वन रखा और ये वन रखा, तो यहाँ पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ऋणात्मक मूल कोई नहीं है, और जो धनात्मक मूल है उसमें एक चिन्ह परिवर्तन हो रहा है प्लस से माइनस, अर्थात एक जो धनात्मक मूल है यहाँ पर ऋणात्मक मूल कोई नहीं है, तो कुल मूल है वो कुल मूलों की संख्या पांच है
और पांच में से एक धनात्मक मूल आ गया, अर्थात जो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स आते हैं वो हमेशा वास्तविक मूल होते हैं, तो यहाँ पर एक धनात्मक मूल आ गया। ऋणात्मक मूलों की संख्या है नहीं, कुल मूल है पांच, उसमें से एक वास्तविक और चार काल्पनिक, और अधिकतम काल्पनिक भी चार हो सकते हैं जो हमें जोड़े के रूप में होते हैं। तो इसका वन ऑप्शन सही है। ये कितने वास्तविक मूल है, तो इसका एक नंबर। सेकंड क्वेश्चन, एक्स सिक्स प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो समीकरण के कितने मूल है। तो यहाँ पर आप वैसे तो आप सीधे ही देख सकते हैं इसका आंसर, एक्स बराबर सिक्स, क्योंकि अधिकतम मूल या कितने मूल है आपको पूछा है, अधिकतम इसमें कितने मूल है। ऐसे भी क्वेश्चन अधिकतम भी पूछा जा सकता है या सीधा भी पूछा जा सकता है कि समीकरण में कितने मूल है, तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि एक्स सिक्स में है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स रखेंगे तो प्लस 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 और एक दो तीन चार पाँच सिक्स सात, तीन चार पाँच छः सात, अर्थात जो इसमें जो धनात्मक मूल है वो कोई भी नहीं है क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं ऋणात्मक एफ माइनस एक्स की, तो यहाँ पर माइनस एक्स रखा तो यहाँ पर आ गया धनात्मक, यहाँ पर माइनस एक्स रखा तो फाइव विषम है, तो वापस माइनस वापस प्लस, यहाँ पर वापस माइनस फिर वापस प्लस, यहाँ पर वापस माइनस फिर वापस प्लस। अब देखिए आप चिन्ह परिवर्तन, प्लस से माइनस एक, माइनस से प्लस दो, प्लस से माइनस तीन, माइनस से प्लस चार, प्लस से माइनस पांच, माइनस से प्लस स, अर्थात इसमें स मूल है और स के स जो ऋणात्मक मूल है, स ऋणात्मक मूल है या स है वो वास्तविक मूल है, या इसको आप ऋणात्मक मूल कह सकते हैं या वास्तविक मूल कह सकते हैं। इस समीकरण में काल्पनिक मूल है वो नहीं है, केवल और केवल वास्तविक मूल है, और वो भी स इस ऋणात्मक मूल है, धनात्मक मूल भी नहीं है, और इसमें अधिकतम मूल है वो स है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, समीकरण एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो के कम से कम कितने मूल काल्पनिक है। अब आपको दर्शन है कि काल्पनिक मूल कितने हैं, वैसे तो इसमें जोड़े के रूप में होते हैं, तो अधिकतम काल्पनिक मूल चार हो सकते हैं, हो सकता है इसमें वास्तविक मूल हो भी नहीं क्योंकि जो जोड़े के रूप में होते हैं यदि विषम संख्या हो तो हम मान सकते हैं कि इसमें वास्तविक मूल तो होंगे ही होंगे, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, अपन को निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर प्लस एफ एक्स रखा और इसमें रखा तो माइनस माइनस एफ माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स रखा तो यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर माइनस क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की है तो यहाँ पर माइनस रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सिन्हा आएगा वही आ जाएगा और वापस माइनस, यहाँ पर प्लस से माइनस और फिर कोई सिन्हा परिवर्तन नहीं, यहाँ पर प्लस से माइनस वापस कोई सिन्हा परिवर्तन नहीं, एक धनात्मक मूल और एक ऋणात्मक मूल, अर्थात इसमें जो वास्तविक मूल है वो दो है, दो वास्तविक मूल, दो वास्तविक मूल है और अधिकतम मूल चार, अधिकतम वास्तविक मूल माने या अधिकतम काल्पनिक मूल माने तो वो भी चार, तो कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, तो दो मूल तो वास्तविक आ गए और दो शेष रहे वो है काल्पनिक मूल। इसका तीन ऑप्शन होगा, इसका एक नंबर ऑप्शन होगा और इसका भी जो एक नंबर ऑप्शन होगा और इसका तीन नंबर ऑप्शन होगा, और भी देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा सात नंबर का, एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो निम्न इक्वेशन के मूल है। ऑप्शन में दिए हुए हैं एक नंबर में एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, दो अवास्तविक, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अवास्तविक दिया हुआ है। वास्तविक यदि कोई वस्तु या कोई भी शब्द के आगे कोई भी शब्द हो उसमें आगे अ लग जाता है प्रत्यय के रूप में, तो उसका जो अर्थ है वो विपरीत हो जाता है। यहाँ पर वास्तविक है अ लग गया, अर्थात यहाँ पर आपको काल्पनिक दिया गया है, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। वापस दूसरे में दो धनात्मक दो अवास्तविक, तीसरे में चार धनात्मक, चौथे में दो धनात्मक और दो ऋणात्मक, जो इसमें अब सॉल्व करते हैं एक्स फोर माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो, तो एफ एक्स बराबर जो सिल परिवर्तन है यहाँ पर प्लस से माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस, और एफ
माइनस एक्स, तो इसमें माइनस रखेंगे तो वापस प्लस आ जाएगा प्लस, और यहां पर माइनस रखेंगे तो माइनस और आगे वाला माइनस प्लस, और यहां पर माइनस रखेंगे आगे वाला माइनस और माइनस, क्योंकि यहां पर विषम संख्या है प्लस, और वापस वाला लास्ट माइनस। तो यहां पर हम निकलेंगे कि चिन्ह परिवर्तन कितने हो रहे हैं, तो प्लस से माइनस वापस चिन्ह माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कोई नहीं हो रहा है, यहां पर प्लस से प्लस, प्लस से प्लस कोई नहीं हो रहा है, प्लस से माइनस एक, अर्थात यहां पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो कुल दो हो गए काल्पनिक, दो काल्पनिक और दो जो वास्तविक, ये दो वास्तविक हो गए और दो काल्पनिक, ये अधिकतम मूल कुछ है तो चार। अब देखिए इसमें दो धनात्मक और दो ऋणात्मक, तो ये ऑप्शन है ये सीधा सीधा गलत हो गया। अगला चार धनात्मक, ये भी गलत हो गया, दो धनात्मक ये भी गलत हो गया, तो अब ये ऑप्शन सही है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक दो वास्तविक हो गए और दो काल्पनिक, वो वास्तविक अर्थात दो काल्पनिक दो धनात्मक। अगला क्वेश्चन, एक्स फोर प्लस पंद्रह एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस ग्यारह बराबर जीरो के मूल है, एक ऑप्शन में सभी चारों के चारों मूल वास्तविक, दो वास्तविक या धनात्मक, दो मूल वास्तविक व ऋणात्मक, दो मूल वास्तविक तथा विपिस नके, इसमें जो दो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों ही धनात्मक होंगे, इसमें जो दो मूल होंगे वो दोनों ही वास्तविक होंगे और दोनों ही ऋणात्मक होंगे, इसमें जो दो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों ही विपिस नके होंगे। अब हम देखते हैं एफ एक्स बराबर प्लस प्लस और प्लस 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 माइनस, और एफ माइनस एक्स बराबर यहाँ पर रखोगे तो प्लस, यहाँ पर रखोगे प्लस, यहाँ पर रखोगे माइनस, और यहाँ पर माइनस। अब देखते हैं चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन प्लस से प्लस कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, प्लस से प्लस कोई नहीं, प्लस से माइनस एक, अर्थात एक धनात्मक, और प्लस से प्लस कोई नहीं, प्लस से माइनस एक ऋणात्मक, अर्थात कुल मूल है दो और दोनों वास्तविक, और कुल फोर घात है अधिकतम मूल चार है, तो दो मूल है काल्पनिक। अब देखिए आप सभी चारों मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि दो काल्पनिक आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गया। दूसरा दो वास्तविक है और दोनों ही धनात्मक है, दो वास्तविक है नहीं है क्योंकि दो काल्पनिक आ रहे हैं, और उस वास्तविक आ रहे हैं वैसे तो वास्तविक दो आ रहे हैं, ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो वास्तविक में से दोनों वास्तविक आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों वास्तविक में से एक धनात्मक आ रहा है एक ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है दो वास्तविक आ रहे हैं और दो ही धनात्मक आ रहे हैं, इस कारण ये गलत है क्योंकि यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। अगला दो मूल वास्तविक व दोनों ही ऋणात्मक, यहाँ पर एक धनात्मक और ऋणात्मक, फिर ऋणात्मक पूछा है और यहाँ ये ऑप्शन गया, अब इससे दो मूल वास्तविक दो वास्तविक है तो विपरीत चिन्ह के सही है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, अर्थात चार नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन टू एक्स एट प्लस थ्री एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बराबर जीरो के सभी वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें अधिकतम मूल कहे तो आठ, अधिकतम काल्पनिक मूल कहे तो आठ, क्योंकि जो अधिकतम काल्पनिक मूल होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं, या काल्पनिक मूल कहे तो भी आठ, और अधिकतम मूल जितनी अधिकतम घात होती है उतने होते हैं। अब सॉल्व करते हैं, एफ एक्स यहाँ पर प्लस 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 प्लस, माइनस रखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस, एफ माइनस एक्स क्योंकि यहाँ पर घात सम है, यहाँ पर वापस सम है तो प्लस, यहाँ पर वापस सम है तो प्लस, यहाँ पर प्लस, अर्थात यहाँ पर जो जीरो जो धनात्मक ऋणात्मक मूल है और जीरो धनात्मक मूल है, धनात्मक मूल अर्थात ये ऋणात्मक मूल अर्थात ये, थोड़ा उल्टा लिख दिया, तो जो धनात्मक मूल है वो भी जीरो और ऋणात्मक मूल है वो भी जीरो, तो जो वास्तविक मूल की संख्या है वो हो जाएगी जीरो, इसमें केवल और केवल आठ मूल है, आठ के आठ है वो काल्पनिक मूल है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दस नंबर, एक्स एट प्लस दस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो के कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, तो यहाँ पर आप चिन्ह परिवर्तन देख सकते हैं, एफ एक्स, एफ एक्स बराबर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस,
और एफ माइनस एक्स रख के देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस और फिर यहाँ पर वापस प्लस और माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन एक हुआ है प्लस से माइनस, और यहाँ पर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस तीन, अर्थात यहाँ पर एक धनात्मक और तीन ऋणात्मक। इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें अधिकतम मूल है x8 बराबर जो है 8 है, और अधिकतम काल्पनिक मूल हो सकते हैं 8, अनुमान लगा सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि अधिकतम काल्पनिक मूल हो सकते हैं तो 8, क्योंकि जोड़े के रूप में हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, तो वो भी काल्पनिक है, काल्पनिक जोड़े के रूप में होंगे तो वो भी जोड़े के रूप में होंगे, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा बाहर गया। अब कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, तो एफ एक्स रखा एफ माइनस एक्स, धनात्मक मूल ज्ञात किए, ऋणात्मक मूल चिन्ह परिवर्तन, तो एक धनात्मक आया और तीन ऋणात्मक, अर्थात कुल जो मूल आए वो आ गए चार, और चार वास्तविक आ गए, तो कुल काल्पनिक है वो आठ, उसमें से चार तो वास्तविक मूल आ गए कुल मूलों में से, और शेष चार है वो है काल्पनिक मूल, इसका एक नंबर ऑप्शन होगा। अगला 11 नंबर एक्स नाइन माइनस एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो के कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस, ये हो गए ऋणात्मक धनात्मक मूल। एफ माइनस एक्स बराबर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आप देखिए चिन्ह परिवर्तन कितने चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, अर्थात दो मूल है धनात्मक, एक है ऋणात्मक, कुल मिलाकर तीन मूल हो गए वास्तविक। तो इसमें पूछा है कम से कम कितने मूल वास्तविक है, सॉरी काल्पनिक है, अधिकतम मूल पूछे तो नौ, और अधिकतम काल्पनिक मूल पूछे तो आठ, क्योंकि वो जोड़े के रूप में होते हैं। और अब पूछा है कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, तो हमने ज्ञात किया तो तीन मूल आ गए वास्तविक, पीछे शेष रहे स, तथा स मूल है वो काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन एक्स टेन माइनस फोर एक्स सिक्स प्लस एक्स फोर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो के कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, एफ एक्स बराबर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस, और एफ माइनस एक्स बराबर यहाँ पर रखेंगे एक्स टेन तो वापस प्लस आ जाएगा, यहाँ पर वापस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर वापस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस, तो यहाँ पर जो चिन्ह परिवर्तन है धनात्मक मूल है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, अर्थात तीन धनात्मक मूल, और यहाँ पर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तीन ऋणात्मक मूल बराबर स वास्तविक मूल। तो यहाँ पर पूछा है कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, तो कुल काल्पनिक मूल हो सके हैं 10, और अधिकतम मूल हो सकते हैं 10, और पूछा कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, तो कम से कम स तो वास्तविक आ गए, पीछे रहे चार, जो चार है वो है काल्पनिक मूल, चार नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखते किसी ने नियम का लास्ट क्वेश्चन, समीकरण टू एक्स सेवन माइनस एक्स फोर प्लस फोर एक्स टू माइनस फाइव बराबर जीरो के कम से कम कितने मूल काल्पनिक है, टू एक्स सेवन माइनस फोर एक्स फोर प्लस फोर एक्स क्यू माइनस फाइव, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस, एफ माइनस एक्स बराबर यहाँ पर रखा तो माइनस आ गया, यहाँ पर वो माइनस ही है, यहाँ पर एक्स क्यूब है अर्थात माइनस होगा, और अगला माइनस, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह परिवर्तन प्लस से माइनस एक, माइनस से प्लस दो, प्लस से माइनस तीन, अर्थात तीन धनात्मक मूल और ऋणात्मक मूल जीरो, जीरो ऋणात्मक मूल और वास्तविक मूल बराबर वास्तविक तीन। पूछा है कम से कम कितने मूल काल्पनिक है,
अधिकतम मूल्य सात, सात में से तीन है वास्तविक, पीछे शेष है चार, और चार काल्पनिक है क्योंकि काल्पनिक हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं। तो ये द्विघात का सिंगल नियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे हो गए, जो कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएएस के जो टॉपिक अभी कई मैथमेटिक्स के हटा दिए, लेकिन जेएम एग्जाम जो एमएससी के लिए होता है जनवरी में काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये टॉपिक आप पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका द्विघात के सिंगल नियम से बाहर नहीं जाएगा। यदि जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स करके जरूर लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया और ये बाहर गया, और इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों एक बात आपको बता देता हूँ कि हीरा जितना घिसता है उतनी ही उतनी समक आएगी, जितना ज्यादा घिसेगा उतनी उसकी ज्यादा समक आएगी। तो आप जितना कठिन परिश्रम करोगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा और आप उससे उस जो नौकरी को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों आपसे एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूँ, यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं उनका मन नहीं लगता है तो थोड़ा वीडियो देख के छोड़ देते हैं, यदि आपने मेरा वीडियो ये अच्छा लगा मैथमेटिक्स और इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो। हर स्टूडेंट तक हमारे चैनल की जानकारी प्राप्त कराइएगा और हर स्टूडेंट तक भेज दीजिएगा, और हर प्रकार की मैथमेटिक्स की क्वेश्चन और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बीएससी के जो भी क्वेश्चन आएंगे या ट्वेल्थ के, धीरे धीरे निरंतर कराता रहूंगा। धन्यवाद।